वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो मैं कैसे हूं आप सब, होप करता हूं कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है बड़ी दिवाली, तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरी शुभकामनाएं दिवाली की। और मेरी मम्मी को देखो, सुबह उठते ही कपड़े धोने में लग गई। और देखो अब मैं ऊपर आ गया आप सभी लोगों को सूर्य जी दिखाने के लिए। सूरज देखो आ गया और कितना अच्छा लग रहा है देखो। अभी कहा जाना था एक बार दुकान पे, इन्वर्टर की बैटरी का पानी लेके आना और फिनाइल लेके आना है, वो खत्म हो गया तो अभी लेके आती है। दोस्तों मैं इन्वर्टर का तो पानी ले आया और फिनाइल वहाँ पे मिला नहीं, तो अभी पापा इसको डाल दें क्योंकि मुझे तो डर लगता है डालने में। कसम ऐसा है कि मैं नहा धो के रेडी हो गया और पूजा वगैरह भी कर ली है और मैंने वही कपड़े पहन लिए क्योंकि आज संडे आना, आज घर का काम करना है, वरना दूसरे कपड़े पहनते तो गंदे हो जाते हैं। काम करके नए कपड़े पहनूंगा। और देखो आज मम्मी चूल्हे पे रोटी बना रही है, मुझे चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है। वैसे मम्मी को टाइम नहीं मिलता ना चूल्हे की रोटी बनाने में, इस पर लेट बनती है और हम स्कूल में जल्दी चले जाते हैं। तो आज संडे है ना, आज मैंने कही मम्मी से, मम्मी चूल्हे की रोटी बना देना, तो आज मम्मी ने चूल्हे की रोटी बना दी, मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपना सारा काम कर लिया है और मैंने नए कपड़े भी पहन लिए हैं, वरना मैं पहले पहन लेता तो ये गंदे हो जाते, और अभी नए कपड़े पहन लिए हैं व्हाइट व्हाइट। आपको मैच में बताना कि मेरा आउटफिट आज कैसा है। तो रे आप को नीचे मोटर की आवाज आ रही होगी, हमारे घर पे चली हुई है क्योंकि ऊपर पानी खत्म है ना, ऊपर पानी चढ़ रहा है मोटर से। तो सब का शुक्र सारी, मैंने ये टी शर्ट डाल ली है और अभी एंकर वाला लगा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों हमने ये लड़ी तो लगा दिया, बताना कमेंट्स में कि कैसी लगी। मुझे तो पहले वाली इससे ज्यादा अच्छी लगी थी, जो पहले लगी हुई थी ना, देखो ये वाली, ये उतारनी बाकी है, ये वाली अच्छी लग रही थी मुझे पहले वाली से। तो दोस्तों अभी मैं दुकान पर गया था, वहां से रंगोली कलर रंग लेके आया था, कलर है रंगोली बनानी है ना आज दीपावली के लिए, तो देखो ये रे कलर। तो दोस्तों अभी हम आए हैं थान पे, जहाँ पे हमारे पितर देवता रहते हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे पूजा करेंगे और कैंडल्स लगाएंगे और यहाँ की साफ सफाई करेंगे और थोड़े बहुत पटाखे फोड़ेंगे। मैं आपको पटाखे तो नहीं दिखाऊंगा आज, क्योंकि मैंने दो तीन दिन पहले पटाखों की वीडियो डाल दी थी, उस पे स्ट्राइक आ गई थी, इसलिए मैं आपको पटाखों की वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा तो कर ली है और देखो कैंडल्स भी लगा दिए, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और अभी यहाँ पे एक दो पटाखे फोड़ते हैं, मैं दिखाऊंगा तो नहीं वरना कॉपीराइट आ जाएगा दोबारा से। तो दोस्तों हम थान पे पूजा करके मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर जोत लगाते हैं और फिर चलते हैं घर पे। और देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सजावट हो रखी है। तो दोस्तों ये है हमारे दादा चमन ऋषि जी और इसके साइड में है दादी सुकन्या जी। मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और हमने यहाँ पे मत्था तो टेक लिया है। और सजावट देखो यहाँ पे कितनी प्यारी कर रखी है ना दीपावली के लिए, ज़्यादा शूट तो नहीं हुआ। देखो कितनी अच्छी सजावट हो रखी है, लाइट ही लाइट है चारों तरफ देखो। तो दोस्तों हम घर पे आ गए और घर पे आके देखो हम इतने आए ना घर पे, और दीदी ने देखो ये रंगोली बना दी। दोस्तों हमने लक्ष्मी पूजन तो कर लिया है और अब हम घर में जा रहे हैं दिया लगाने के लिए। देखो दिए भी ले लिए और मोमबत्ती भी ले ली। तो दोस्तों हमने भी अपने घर में देखो मोमबत्तियां लगा दी और दिए देखो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और अब घर पे भी लगाने, घर पे जाकर तो शायद पापा ने और दीदी ने लगा दी होगी। तो देखो दोस्तों हमने नीचे तो मोमबत्ती दिए लगा दिए हैं और देखो ऊपर पापा जी और दीदी लगा रही हैं, लेकिन लग नहीं रहे क्योंकि तेज हवा चली हुई है ना, तो तभी बुझ जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों अब मैं छत पे आ गया और देखो मैं दो तीन दिन पहले कहा था ना आपको कि बिल्कुल अंधेरा, और अब देखो कितना रोशनी हो गई ना सभी जगह, देखो पीछे भी।
दोस्तों सब ने दिए लगा दिए, दिए भी लगा दिए, कैंडल्स लगा रही है। हमने भी थोड़े बहुत बम पटाखे छुड़ा लिए हैं और देखो सभी अब सोने लग गए। एक आधे बम पटाखे फूट गए हैं। तो आज को लोग हमें पेंड करते हैं। आपको लोग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। Who you calling baby?